तो अगर आपका ये पहला वीडियो नहीं है तेजस एक्सप्रेस पर, तो आपने पहले भी वो रूप तेजस एक्सप्रेस का देखा होगा जो आपको असल में न्यूज़ चैनल वगैरह में दिखाया गया। पर असली बात क्या है, यानी कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो के जरिए आप जान पाएंगे हकीकत तेजस एक्सप्रेस की। तो चलिए देखते हैं। 1 घंटे 45 मिनट की देरी। तो यहाँ पे हम तेजस एक्सप्रेस का कुछ हाल बताने वाले हैं और लोगों से कुछ राय लेने वाले हैं कि उनको यहाँ पे कैसा लग रहा है और इस ट्रेन में क्या फील कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि शताब्दी भी सेम टाइम लेती है, लेकिन पहली बार तो फर्स्ट टाइम का अनुभव है, इसलिए तेजस ट्रेन में हम लोग सफ़र कर रहे हैं। लेकिन कुछ खास ऐसी सुविधा तो दिख नहीं रही है। इसकी सीटें भी जो है कम्फर्टेबली शताब्दी से बहुत बेटर तो नहीं है। अब ट्रेन चलने के बाद देखते हैं क्या फैसिलिटीज नई दी गई है, क्योंकि 1700 रुपये की टिकट दिए गए ऐसे किया था। और आपको क्या लग रहा है कि ये टिकट उस हिसाब से सही है जिस हिसाब से फैसिलिटी है? अब चलने के बाद पता चलेगा, अभी तो ट्रेन जब मूव कर जाएगी क्या फैसिलिटीज एक्स्ट्रा है उसके बाद इस पर कुछ। यानी कि आप फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं अभी इस ट्रेन से, तो अभी तक फिलहाल आप नाखुश हैं जो इसकी फैसिलिटी है उस हिसाब से? नहीं, अभी तक तो सीटिंग फैसिलिटी बस सीटिंग से आप थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड। जब ट्रेन चलेगी तो उसके बाद हम आगे का हाल आपको बताएंगे और लोगों से राय लेंगे क्या वो फील कर रहे हैं और उनको क्या लग रहा है कि जिस बजट में ये टिकट है तो उसके ये काबिल है या नहीं। तो यहाँ पे आप SQT क्लास देख रहे हैं। और ये नॉन एक्सक्यूटिव क्लास है। ये ना बंद हो रही है ना ओपन हो रही है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम अभी गाड़ी में स्टार्ट ही हुई है गाड़ी, और आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि स्क्रीन वगैरह दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो जो फैसिलिटी दी जा रही है जितना हिसाब से इनने कॉस्ट रखा है उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। और जैसे कि मैंने SQT क्लास भी आपको दिखाया तो वहाँ भी कोई स्क्रीन नहीं है ना TFT है, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी वहाँ पे भी अलग से फैसिलिटी ऐसा कुछ नहीं है, नॉन एक्सक्यूटिव में भी और एक्सक्यूटिव में भी। तो एक छोटा सा फ़र्क है जो मैंने आपको दिखाया सीट का, बस वही एक फ़र्क है। तो यहाँ एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन मैजिक बॉक्स करके एक ऐप है और उसके थ्रू आप वाईफाई फ्री या वाईफाई का फैसिलिटी उठा सकते हैं, पर जब यहाँ पर लोगों ने इसे चेक किया तो बताया कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वाईफाई भी यहाँ पर ऑन नहीं है, ना ये ऐप काम कर रहा है ढंग से अभी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाईफाई का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है और क्वेश्चन मार्क वहाँ पे आ रहा है, यानी कि वाईफाई कनेक्ट नहीं है। और जबकि यहाँ पे दिखाया गया है कि मैजिक बॉक्स ऐप के बाद आप डाउनलोड करने के बाद उसे वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं और सब करके देख लिया गया है, पर ऐसी कोई फैसिलिटी यहाँ पर हमें काम करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो सबसे ज़्यादा शिकायत यहाँ पर खाने में, और खाने की क्वालिटी एकदम बकवास है। मतलब आपको खाने में लगेगा कि यार मैं खाऊँ या छोड़ दूँ, मतलब यहाँ तक ये क्वालिटी है। यहाँ आप देख रहे हैं रोटी तोड़ने में कितना मुश्किल हो रहा है, मतलब दमदार और दम लगाना पड़ रहा है तब जाके रोटी टूट रही है, तो ये हालत है। आपने जैसे देखा कि खाने की क्वालिटी क्या है, बहुत बेकार है भाई साहब। तो अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो लोगों को शेयर करिएगा ये वीडियो ताकि वो समझ पाए इस ट्रेन की जो हालत है इस समय। तो आपने देखा पर्दे के पीछे का सच, यानी कि तेजस एक्सप्रेस की सच्चाई। हो सकता है कि धीरे धीरे इसमें कुछ सुधार हो फैसिलिटीज़ वगैरह में, पर कुछ चीज़ों में मुझे नहीं लगता कि कोई सुधार हो पाएगा, जैसे कि सीटिंग कंफर्ट को लेकर। और फीडबैक भी लिए जा रहे हैं पैसेंजर से, पर उसमें मेरे को लगता है कि फूडिंग वगैरह को लेकर ज़रूर कुछ सुधार किए जा सकते हैं गाड़ी में। और साथ ही साथ आपको काफ़ी न्यूज़ चैनल पर यह भी देखने के लिए मिला कि स्क्रीन वगैरह लगी हुई है गाड़ियों में, तो वो हाथी के दिखाने के दांत अलग थे और चबाने के अलग। तो वहाँ पे सिर्फ एक वाईफाई नाम का झुंझुना पकड़ा दिया गया है जो आपने फ़ोन से आप ऑपरेट कर सकते हैं, वो भी उनकी खुद की वेबसाइट को ही आप चला पाएंगे उससे। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे एक और माइनस पॉइंट है जो कि है फ्लेक्सी फेयर का, जो बिल्कुल फेयर नहीं है। यानी कि आपको कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं पे करना होगा इसकी बुकिंग के लिए, जो कि आज तक रेलवे की हिस्ट्री में होता आया था। यहाँ पे एक जैसे कि फ़्लाइट की तरह और हवाई जहाज़ में आप ऊपर नीचे प्राइस के हिसाब से बुक कर पाते थे फ़्लाइट को, वैसे ही इसमें भी रूल है कि आपको कोई एक अमाउंट नहीं
फिक्स बताया गया है कि आपको इतना ही भरना होगा, तो यहाँ पे ये भी चीज़ एक माइनस पॉइंट है। और उस हिसाब से जिस हिसाब से इसके प्राइस रखे गए हैं उस हिसाब से फैसिलिटी नहीं उतनी अच्छी है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी लोगों से मैंने ये भी क्वेश्चन किया कि क्या वो दोबारा आना चाहेंगे इस ट्रेन में, या वो किसी को राय देना चाहेंगे कि वो इस ट्रेन में सफ़र करें। तो उन्होंने बोला कि हाँ ज़रूर हम आएंगे इस ट्रेन में, पर मजबूरी में, जब हमें ना फ्लाइट की टिकट मिल रही हो और ना ही हमें शताब्दी एक्सप्रेस की या इस तरह की कोई ट्रेन की टिकट मिल रही हो, तो ज़रूर हम मजबूरी में इस ट्रेन में आएंगे। मैं खुद आपको बता दूं कि जिस दिन मैं दिल्ली से लखनऊ आया उस दिन मुझे फ़्लाइट की टिकट इससे 200 रुपये सस्ती मिल रही थी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने भी एक व्लॉग बनाया है जो कि पहला व्लॉग है दिल्ली से लखनऊ आने का, और काफ़ी एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है और आप खुद फील करें कि आप एक हॉलीडे पे हैं। तो उसी तरह से ये व्लॉग बनाया गया, तो उसी ढंग से इसे देखिएगा। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। सी यू अगेन।